आज की इस वीडियो में बात होगी इन्फ्लोरेसेंस की। ये बॉटनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में बात करेंगे हम डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है और स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है और उनके भी फिर टाइप्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, यानी प्लांट्स पर फ्लावर्स की क्या अरेंजमेंट है, कैसी अरेंजमेंट है। इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस यानी स्टेम या ब्रांच जिस पर फ्लावर्स लगे होते हैं उस इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस को कहते हैं पेडंकल। इन्फ्लोरेसेंस का दूसरा नाम है एंथोटेक्सी। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस की दो किस्में होती है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होता है इट ग्रोज कंटिन्यूसली, क्योंकि इसका टिप जो है इट इज ग्रोइंग। टिप जो है यहाँ पर कोई फ्लावर नहीं होता है बल्कि वहां पर एपिकल बर्ड होता है और एपिकल बर्ड की वजह से जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होती है इट ग्रोज कंटिन्यूसली और साइड में देखिए यहाँ पर फ्लावर्स निकल आते हैं। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो टिप होता है इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस का, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया है, द टिप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, जिसकी वजह से इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इसकी ग्रोथ कुछ टाइम के बाद रुक जाती है और साइड में फ्लावर्स निकल आते हैं। सो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में द ग्रोथ ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज डिटर्मिनेट, इट इज डेफिनेट, वाइल एज इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस ग्रोज कंटिन्यूसली, द ग्रोथ ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज इनडिटर्मिनेट और इनडेफिनेट। अब फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में द पेडंकल द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस ग्रोज कंटिन्यूसली बिकॉज द टिप इट हैज द एपिकल बड, इट ग्रोज कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स ऑन इट्स साइड्स। तो जो यहाँ पर फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक्रोपीटल ऑर्डर में प्रोड्यूस होते हैं। एक्रोपीटल ऑर्डर का मतलब जो नीचे वाले फ्लावर्स है ये ओल्डर होते हैं और ऊपर वाले जो फ्लावर्स होते हैं ये यंगर फ्लावर्स होते हैं। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को हम इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस ग्रोज कंटिन्यूसली इनडेफिनेटली, या इसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, द मेन एक्सिस कंटिन्यूस टू ग्रो एंड डज नॉट टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर एंड फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपीटल ऑर्डर। टाइप्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, फर्स्ट टाइप इज रेसीम। रेसीम में पेडिसिलेट फ्लावर्स होते हैं यानी ऐसे फ्लावर्स जिनमें स्टॉक होता है, जिनकी छोटी सी टेल होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोर्न ऑन एन एक्रोपीटल सक्सेशन ऑन एन इलोंगेटेड एक्सिस, यानी यहाँ पर जो मैंने ग्रीन कलर की जो एक्सिस दिखाई है जिस पर फ्लावर्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये फ्लावर्स यहाँ पर जो होते हैं ये पेडिसिलेट होते हैं, इनमें छोटी सी टेल आप देख सकते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, इनमें गाइनोशियम भी होता है और एंड्रोशियम भी होता है और ये एक्रोपीटल सक्सेशन में प्रोड्यूस होते हैं ऑन द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। तो ऐसे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं रेसीम। एग्जाम्पल है इसमें क्रूसीफेरी, इस फैमिली के प्लांट्स में रेसीम इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। सेकेंड टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस इज स्पाइक। अब स्पाइक में आप देखिए ये भी रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस ग्रोज कंटिन्यूसली और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्लावर्स होते हैं ये सिसाइल होते हैं, यानी इनमें वो छोटी टेल नहीं होती है जिसे पेडिसल कहते हैं। तो यहाँ पर फ्लावर्स सिसाइल होते हैं, सिसाइल फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें टेल नहीं होती है, जिनमें पेडिसल नहीं होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज द स्पाइक। स्पाइक में आपको सिंपल याद रखना है सिसाइल फ्लावर्स होते हैं, ये रेसीम के जैसा ही होता है लेकिन रेसीम में पेडिसिलेट फ्लावर्स होते हैं जिनमें छोटी सी टेल होती है, लेकिन स्पाइक में सिसाइल फ्लावर्स होते हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है। एग्जाम्पल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेनेकल, पेनेकल जो है इट इज ब्रांचड रेसीम, आपको याद रखना है रेसीम की तरह है लेकिन जो फ्लावर्स होते हैं ये ब्रांचेस पर बनते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है फिर इसकी ब्रांच निकली और फिर ब्रांचेस पर छोटे छोटे फ्लावर्स निकले हैं। तो सिंपल आपको याद रखना है पिनेकल इज नथिंग बट ब्रांचेड रेसीम, यहाँ पर फ्लावर जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं और फ्लावर्स पेडिसिलेट होते हैं, यानी छोटी सी टेल होती है लेकिन जो फ्लावर्स होते हैं ये ब्रांच पर प्रोड्यूस होते हैं, इसे कहते हैं पिनेकल इन्फ्लोरेसेंस। फोर्थ वन इज कोरियम। अब कोरियम में आप देख सकते हैं जो फ्लावर्स होते हैं ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस पर बॉर्न हुए हैं और यहाँ पर द फ्लावर्स आर पेडिसिलेट लेकिन जो नीचे वाले जो फ्लावर्स हैं जो नीचे प्रोड्यूस हुए हैं उनके पेडिसल्स यानी उनकी टेल्स जो है उनका जो स्टॉक है वो लंबे हैं और जो ऊपर वाले फ्लावर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं वाले फ्लावर्स इनकी जो टेल्स है वो छोटी है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो फ्लावर्स होते हैं ये एक ही लेवल पर आ जाते हैं, क्योंकि जो नीचे वाले फ्लावर्स होते हैं इनकी टेल्स लंबी होती हैं, इनके पेडिसल्स लंबे होते हैं और ऊपर वाले जो फ्लावर्स होते हैं उनकी टेल्स शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे एक ही लेवल पर आ जाते हैं, इसलिए कहते हैं इनको फ्लैट टॉप्ड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस विथ लोअर फ्लावर्स बियरिंग लॉन्ग पेडिसल्स एंड अपर फ्लावर्स विथ शॉर्ट पेडिसल्स सो दैट ऑल फ्लावर्स रीच द सेम लेवल। एग्जाम्पल है एबरिस एमारा, ये आपको याद रखना कैंडिडेट ऑफ प्लांट है जिसमें कोरियम इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। तो यहाँ पर जो फ्लावर्स है ये डिफरेंट पॉइंट से निकल आते हैं फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस।
नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज एम्बल इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सारे के सारे फ्लावर्स है ये एक ही पॉइंट पर, ये एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं और ये ऊपर एक ही लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एज द अम्बल इन्फ्लोरेसेंस। तो अम्बल इन्फ्लोरेसेंस में जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है उसके एक पॉइंट से फ्लावर्स निकलते हैं जो कि एक ही लेवल पर पहुंच जाते हैं, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं अम्बल इन्फ्लोरेसेंस। सो फ्लावर्स अराइजिंग फ्रॉम वन पॉइंट ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द एक्सिस विद ओल्डेस्ट फ्लावर्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड यंगेस्ट टुवर्ड्स द सेंटर। यानी जो बाहर की तरफ जो ये फ्लावर्स है ये ओल्डेस्ट होते हैं और जो सेंटर की तरफ होते हैं ये यंगेस्ट फ्लावर्स होते हैं। तो एग्जाम्पल है एपिएसी फैमिली, एपिएसी फैमिली के प्लांट्स में अम्बल इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस इज दैट स्पैडिक्स। स्पैडिक्स इज अ टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। अगेन आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होती है जो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से बनाई है ये फ्लैशी होती है, थोड़ी मोटी होती है और इस पर लगे होते हैं सेसाइल फ्लावर्स। इतना आपको याद रखना है। और ये पूरी जो इन्फ्लोरेसेंस है दिस इज कवर्ड बाय ए लार्ज लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज एक्चुअली ए लार्ज ब्रैक्ट जिसे कहते हैं स्पैथ। इतना आपको याद रखना है, जिसे स्पैथ कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा ब्रैक्ट है जो पूरी इन्फ्लोरेसेंस को कवर करता है। इस इन्फ्लोरेसेंस में आप देखेंगे एक फ्लैशी एक्सिस जो मैंने ग्रीन कलर की एक्सिस बनाई है और इस पर लगे होते हैं सिसाइल फ्लावर्स। स्पाइक की तरह ये इन्फ्लोरेसेंस होती है। दिस इन्फ्लोरेसेंस हैज टू थिंग्स, वन इज दैट इट हैज अ फ्लैशी, इट हैज अ थिक इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस एंड द होल इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज कवर्ड बाय अ लार्ज ब्रैक्ट नोन एज स्पैथ। इट इज फाउंड इन एलोकेसिया एंड एरम। सातवें नंबर पर है कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस इज ए हैंगिंग स्पाइक लाइक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ रिड्यूस्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एज इन मोर्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक हैंगिंग लटकी हुई एक इन्फ्लोरेसेंस आप देखते हैं जिस पर यूनिसेक्सुअल सिसाइल फ्लावर्स लगे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि एक इन्फ्लोरेसेंस है ये हैंगिंग है, इट इज हैंगिंग फ्रॉम द प्लांट और इस पर लगे हैं सिसाइल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, या तो मेल फ्लावर्स होंगे या तो ये फीमेल फ्लावर्स होंगे। तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं कैटकिन या कहते हैं एमेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस एक्सिस में जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होती है जो कि यहां पर ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं, इट्स टिप इज टर्मिनेटेड बाय द फ्लावर, जिसकी वजह से ये जो एक्सिस है इट डज नॉट ग्रो कंटिन्यूअसली, इसलिए साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का दूसरा नाम है साइम, CYME। द फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर एंड दस इट्स ग्रोथ इज डिटर्मिनेट। तो जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है इसकी ग्रोथ डिटर्मिनेट है बिकॉज ऑफ द फ्लावर एट इट इज टिप। नाउ टाइप्स ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। फर्स्ट टाइप इज मोनोचेजियल और यूनिपेरस साइम। तो यहां पर मोनोचेजियल और यूनिपेरस साइम में क्या होता है कि इन्फ्लोरेसेंस के एक पॉइंट से सिर्फ एक ब्रांच निकलती है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड से एक ब्रांच निकली, फिर आप देख सकते हैं उस ब्रांच पर भी एक ब्रांच ही निकली, फिर उस ब्रांच पर नेक्स्ट ब्रांच पर भी एक ही ब्रांच निकली। तो इतना आपको याद रखना है। तो डेफिनेशन देखते हैं, वन ब्रांच अराइजिंग एट ईच नोड ऑफ द डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, ब्रांच ऑल्सो टर्मिनेट इनटू फ्लावर, हर ब्रांच के टिप पर एक फ्लावर मिलेगा। मोनोचेजियल इन्फ्लोरेसेंस के दो किस्में होती है, याद रखना है। फर्स्ट वन इज स्कॉर्पॉइड एंड अनदर वन इज हेलिकॉइड। स्कॉर्पॉइड इन्फ्लोरेसेंस में आप देखेंगे कि जो ब्रांच होती है ऑल्टरनेट साइड से निकल आती है, जैसे कि इस इन्फ्लोरेसेंस में आप देखेंगे जो पहली ब्रांच है यहां पर, जो पहली ब्रांच ये लेफ्ट साइड से निकली है, दूसरी ब्रांच जो इस पर निकली है वो राइट साइड से निकली है, फिर तीसरी ब्रांच जो है लेफ्ट साइड से निकली है, फोर्थ ब्रांच जो है फिर राइट साइड से निकली है। इस तरह से ब्रांचेस ऑल्टरनेट साइड्स पर निकल आती है, लेकिन एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही ब्रांच निकल आती है, इसलिए इसे मोनोचेजियल साइम कहते हैं या यूनिपेरस साइम कहते हैं। तो अगर एक जगह से एक ब्रांच निकले और जो ब्रांचेस है वो ऑल्टरनेटिवली निकले, यानी एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, देन दिस टाइप ऑफ मोनोचेजियल साइम इज नोन एज स्कॉर्पॉइड। हेलिकॉइड की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलिकॉइड इन्फ्लोरेसेंस, यहाँ पर जो ब्रांच होती है वो एक ही साइड से निकलती है, जैसे कि यहाँ पर जो पहली ब्रांच निकली है वो राइट साइड से निकली है, उस पर जो दूसरी ब्रांच निकली है वो भी राइट साइड से निकली है, इस तरह से जो नेक्स्ट ब्रांच है वो भी राइट साइड से निकली है, जो लास्ट ब्रांच है वो भी राइट साइड से निकली है। तो हेलिकॉइड में जो ब्रांच होती है, सक्सेसिव ब्रांच होती है, वो एक ही साइड से निकल आती है। स्कॉर्पॉइड इन्फ्लोरेसेंस जो है ये रिपिडियम सोलेनम निग्रम में पाई जाती है। हेलिकॉइड साइम जो है ये आपको फैमिली बोरेजिनेसी के प्लांट्स में मिलती है, जैसे मायोसोटिस। डाइचेजियल या बाईपेरस साइम क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही नोड से दो दो ब्रांच निकल रही है, जैसे कि आप इस नोड पर देख सकते हैं वी हैव टू ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम ईच नोड, फिर यहाँ पर एक और नोड आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दो ब्रांच निकलती है। तो हर पॉइंट से दो दो ब्रांच अगर निकलेंगी और हर ब्रांच जो है इटर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, तब हम कहेंगे इट इज अ डाइचेजियल या बाईपेरस साइम, जैसे कि एग्जाम्पल्स है स्टिलारिया या डायंथस। पॉलीचेजियल साइम, पॉलीचेजियल साइम में एक ही नोड से दो से ज्यादा ब्रांच निकलती है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो एक ही नोड से छह ब्रांच निकली है एंड ईच ब्रांच इज टर्मिनेटिंग इनटू अ फ्लावर।
तो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीचेजियल और मल्टीपेरस साइम एग्जाम्पल इज वाइबर्नम. नाउ वी हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरिसेंस. द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज साइथियम. साइथियम जो है ये यूफोर्बिया के प्लांट्स में पाई जाती है. ये कप शेपर्ड इन्फ्लोरिसेंस होती है जिसके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फीमेल फ्लावर है विच इज सराउंडेड बाय द मेल फ्लावर. मेल फ्लावर यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से बनाए हैं. देयर आर फाइव मेल फ्लावर, ज़्यादा भी हो सकते हैं. सो बीच में एक फीमेल फ्लावर होती है विच इज सराउंडेड बाय मेल फ्लावर्स. दीज फ्लावर्स आर सराउंडेड बाय कप शेपर्ड इन्वोलिकर. आपको याद रखना है ये इन्वोलिकर जो है यहाँ पर आप देखिए जो मैंने रेड कलर से बनाई है दीज आर फ्यूज्ड ब्रैक्ट्स. तो साइथियम में आप याद रखेंगे इट हैज ए वन इट हैज ए सिंगल फीमेल फ्लावर. इट इज सराउंडेड बाय अ बंच ऑफ मेल फ्लावर्स विच इज सराउंडेड बाय द कप शेपर्ड इन्वोलिकर. इन्वोलिकर क्या होते हैं? इन्वोलिकर्स आर फ्यूज्ड ब्रैक्ट्स. नेक्स्ट इज हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरिसेंस. इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरिसेंस. तो इतना आपको याद रखना है इट इज अ बॉक्स शेप्ड इन्फ्लोरिसेंस विच इज हैविंग अ फ्लैशी रिसेप्टेकल. जो कवरिंग आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की दिस इज अ रिसेप्टेकल. ये पूरा इन्फ्लोरिसेंस बॉक्स शेप्ड आपको दिखेगा. इसके अंदर एक कैविटी होती है और एक स्मॉल ओपनिंग होती है. दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ओस्ट्यूल. इस बॉक्स के अंदर जो कैविटी होती है उसमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं. टुवर्ड्स द ओपनिंग होते हैं मेल फ्लावर्स. बीच में होते हैं जो मैंने रेड कलर से बनाए हैं दीज आर गॉल फ्लावर्स. न्यूट्रल फ्लावर्स इनको कहते हैं. ये ना ये मेल होते हैं ना ये फीमेल फ्लावर्स होते हैं. न्यूट्रल फ्लावर्स होते हैं और नीचे सबसे नीचे जो फ्लावर्स होते हैं एट द बेस ऑफ द बॉक्स दीज आर फीमेल फ्लावर्स सराउंडेड बाय दिस फ्लैशी रिसेप्टेकल. दिस इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन फिग एंड इन पीपल. तो आपको याद रखना है सो बॉक्स लाइक इन्फ्लोरेसेंस हैविंग द फ्लैशी रिसेप्टेकल विद स्मॉल ओपनिंग एट द टॉप एंड बियरिंग फ्लावर्स अलोंग द इनर वॉल. दिस इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज द हाइपेंथोडियम. नाउ वी हैव वर्टिसलास्टर इन्फ्लोरेसेंस. इस नोड पर अगर आप देखेंगे तो दिस इन्फ्लोरेसेंस इज बाईपेरस कि एक नोड से दो दो ब्रांच निकल रही है. ठीक, फिर अगर आप यहां पर देखेंगे नेक्स्ट नोड पर यहां पर भी बाईपेरस लेकिन इवेंचुअली इट बिकम्स यूनिपेरस. ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं वर्टिसलास्टर. इतना आपको याद रखना है. तो यहां पर आप देख सकते हैं ईच नोड ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस बियर्स टू अपोजिट क्लस्टर्स ऑफ डाइचेजियल साइम सबसिक्वेंटली बिकमिंग मोनोचेजियल. ठीक, सो इट इज फाउंड इन फैमिली लेमिएसी. फैमिली लेमिएसी का दूसरा नाम है, कॉमन नेम है मिंट फैमिली. तो मिंट फैमिली में वर्टिसलास्टर इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है. लास्ट पर जो इन्फ्लोरेसेंस है स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस. इसे हेड बी कहते हैं. ये एक फ्लैट टॉपर्ड इन्फ्लोरेसेंस होता है. इसमें दो किस्म के फ्लावर्स आपको मिलेंगे. बाहर की तरफ जो येलो कलर के आपको पेटल जैसे दिखते हैं इन्हें कहते हैं रे फ्लोरेट्स. ये पेटल्स नहीं बल्कि फ्लावर्स होते हैं. और बीचों बीच जो आपको थोड़ा ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये बी फ्लावर्स होते हैं. इन्हें कहते हैं डिस्क फ्लोरेट्स. तो डिस्क फ्लोरेट्स जो होते हैं ये सेंटर में होते हैं और रे फ्लोरेट्स जो होते हैं ये पेरिफेरी पर होते हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद डिस्टिंक्ट रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट्स सराउंडेड बाय इन्वोलिकर ब्रैक्ट्स फाइलरीज. ये फैमिली एस्ट्रेसी में पाए जाते हैं जिस फैमिली का दूसरा नाम जो है दैट इज कंपोजिटिव फैमिली. सनफ्लावर फैमिली भी इसे कहते हैं. तो इतना आपको याद रखना है. सो इट इज अ फ्लैट टॉपर्ड इन्फ्लोरेसेंस जस्ट लाइक अ हेड. इसमें दो किस्म के फ्लावर्स होते हैं. पेरिफेरी की तरफ रे फ्लोरेट्स होते हैं और सेंटर की तरफ होते हैं डिस्क फ्लोरेट्स. तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन डिस्क फ्लोरेट एंड रे फ्लोरेट अगर आप देखेंगे पहले देखते हैं इनकी पोजीशन. जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं ये सेंटर की तरफ होते हैं और रे फ्लोरेट्स जो होते हैं ये पेरिफेरी की तरफ होते हैं. साइज की बात करेंगे तो डिस्क फ्लोरेट्स बहुत स्मॉल होते हैं और रे फ्लोरेट्स लार्ज होते हैं. सिमेट्री की बात करेंगे तो डिस्क फ्लोरेट्स एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं और रे फ्लोरेट्स ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं. सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो डिस्क फ्लोरेट्स बाइसेक्सुअल होते हैं. इनमें एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो रे फ्लोरेट्स होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और ये कार्पलेट होते हैं यानी ये फीमेल फ्लावर्स होते हैं. इनमें सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट होता है. विद दिस वी एंड टुडेज वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.